शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आप पार्टी सांसद संजय सिंह की गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां जांच एजेंसी और संजय सिंह के वकील ने अपना पक्ष रखा। आप सांसद संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने बचाव में कहा कि उनके क्लाइंट सार्वजनिक जीवन में हैं और वह लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं। उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए उन्हें बेल दे देनी चाहिए। ईडी ने आप नेता की 10 दिन की रिमांड पर लेने की मांग कोर्ट से की। ईडी के वकील का कहना है कि फोन से कई ऐसे कॉन्टेक्ट मिले हैं जिन्हें लेकर आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस पूरे मामले में आप नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वही बीजेपी सांसद प्रवेश शर्मा ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं सर, उसी से लगता है। मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलती केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।